दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच में पांचवा टेस्ट मुकाबला आज शुरू होने जा रहा है और यह बड़ा मुकाबला जीते टीम इंडिया एक नया इतिहास रच देगा। लेकिन टीम इंडिया को एक बहुत ही बड़ा झटका लग चुका है, साथ ही टीम इंडिया के लिए बड़ी खुशखबरी भी आई है। तो जी हाँ दोस्तों, बताएंगे सारी अपडेट, तो वीडियो देखते रहे, वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, पांचवें टेस्ट मुकाबले के लिए कप्तान रोहित शर्मा जो है पूरी तरह से बाहर हो चुके हैं, जो कि इंडिया को बहुत ही बड़ा झटका लगा है। साथ ही विराट कोहली जो है काफी शानदार फॉर्म में आ चुके हैं और टीम इंडिया की कप्तान के तौर पर अब जसप्रीत बुमराह करने वाले हैं। जसप्रीत बुमराह इंडिया के छठे ऐसे कैप्टन होने वाले हैं जो कि गेंदबाजी में अपनी कप्तानी संभालने वाले हैं। साथ ही टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है कि टीम इंडिया के जो सारे बल्लेबाज हैं जिन्होंने एथलेटिक्स मुकाबले में काफी शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम इंडिया के लिए अच्छा रन किए थे, तो ऐसे में उम्मीद है कि इंग्लैंड को ये पांचवें टेस्ट मुकाबले में हराकर सीरीज को 3-1 से जीतकर एक नया इतिहास रचेंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच आज दोपहर 3:30 बजे से बड़ा मुकाबला शुरू होगा। टीम इंडिया की फ्लाइंग 11 भी अनाउंसमेंट हो चुकी है। रोहित शर्मा की जगह मयंक अग्रवाल को टीम में शामिल कर लिया गया है। साथ ही विराट कोहली नंबर 4 पर खेलने वाले हैं और चेतेश्वर पुजारा नंबर 3 पर खेलने वाले हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, टीम इंडिया आज बड़ा मुकाबला जीतेगा या नहीं जीतेगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसे अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।